हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कुछ हार्टिकल्चर की क्राप हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्राप के, जो कि कैटेट या BHU में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, उनका नोट्स है जो कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताएँगे। और 2-3 दिनों से हम वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे, हम घर पर भी आए थे और थोड़ा समस्या भी थी, तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए नहीं वीडियो बना पाए। आज वीडियो बना रहे हैं और वीडियो आप देखते हैं उसके साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आप लोगों को ये नोट्स आगे चलकर जब आप तुरंत पेपर देने जाएंगे, तुरंत वीडियो तो देख नहीं सकते, आप अपने नोट्स का ही प्रयोग करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, जितने वीडियो हम डालेंगे जो एंट्रेंस लायक हैं उसके आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट करें और उनका आंसर, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हार्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस और वेजिटेबल साइंस में फूलगोभी की क्राप्स के जो कुछ महत्वपूर्ण हैं 4-5 क्वेश्चन, वो हमने उठाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर कब। और क्वेश्चन अपने आप लिखते रहें और अपने आप लिखा हुआ नोट्स एक बहुत अच्छा नोट्स होता है, जो कि हमारे नोट्स बनाए हुए हैं। मुझको लगता है इससे बाहर आप अगर कैटेट लेवल में क्वेश्चन देखेंगे तो इससे बाहर नहीं जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग, फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग कर्ड है और ओल्डिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। किसी दिन पूरे जो सब्जेक्ट है उनका कौन सा वर्ड है और कौन सी शब्दों से मिलकर बना, इसका पूरा एक PDF बना लेंगे, उसका वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है। और ब्लांचिंग क्रिया की जाती है, ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है फूलगोभी में। फूलगोभी का पुष्पक्रम कैटकिन कहलाता है। नेक्स्ट, पूसा शरद, पूसा स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति, इसकी मुख्य प्रजातियाँ हैं फूलगोभी की। नेक्स्ट, और फूलगोभी में बटनिंग की क्रिया की जाती है जो कि नाइट्रोजन की कमी से होती है। ऐसे ही पूछा जा सकता है बटनिंग की क्रिया किस में की जाती है, तो फूलगोभी में किसकी कमी से, तो नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है। फिर फूलगोभी में हिप्टल की प्रक्रिया होती है तो MO की कमी से। तो नेक्स्ट, ब्लाइंडनेस अंधता संबंधित है तो ब्लाइंडनेस फूलगोभी से संबंधित है। नेक्स्ट, और बीज, इसके बीज उत्पादन के लिए दूरी कितने रखते हैं, तो फाउंडेशन सीड के लिए 1600 मीटर रखते हैं, फिर सर्टिफाइड सीड के लिए 1000 मीटर रखते हैं। फाउंडेशन सीड को हिंदी में आधारीय बीज कहते हैं, सर्टिफाइड सीड को प्रमाणित बीज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टमाटो, टमाटो का साइंटिफिक नाम लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम है, इसका जन्म स्थान या ओरिजिन पेरू है। फिर इसकी सामान्य बीज दर 350 से 400 ग्राम है, हाइब्रिड प्रजातियों की बीज दर 100 से 150 ग्राम है। इसकी प्रजातियां पंजाब छुआरा, पूसा रूबी, हिसार, ललित, रोमा है और इसका जन्म स्थान पेरू, ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट, इसका पुष्परंग जो पीला होता है। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट, बैंगन, बैंगन का साइंटिफिक नाम सोलेनम मेलोंजनाए फैमिली, इसकी सोलेनेसी है। ठीक है। बैंगन विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, किस चीज, कौन सी विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। सफ़ेद बैंगन मधुमेह रोगी हेतु लाभकर होता है। ठीक है। फिर प्रजातियाँ, पंत सम्राट, आज़ाद क्रांति, ब्लैक ब्यूटी, पूसा पर्पिलोंग, इसकी मुख्य प्रजाति हैं। फिर हाइब्रिड कुछ प्रजातियां हैं बैंगन की, पंत ऋतुराज, पूसा उपकार। नेक्स्ट, बैंगन की छोटी पत्ती रोग का कारण माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट, इसकी बीज दर 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। चिली, चिली का साइंटिफिक नाम कैप्सिकम एनम है। फिर मिर्च का लाल रंग कैप्साइसिन के कारण है, पुष्प का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है पुष्प का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। मिर्च में कड़वाहट कैप्साइसिन के कारण होता है। फिर बीज दर 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर होती है इसकी। नेक्स्ट,
प्रजातियाँ अर्का मोहिनी, भाग्यलक्ष्मी, ज्वालामुखी, पूसा ज्वाला, पंजाब लाल इसकी मुख्य प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट भिंडी। भिंडी भिंडी का साइंटिफिक नाम एबेलमोस्कस स्कुलेंटस है। इसकी फैमिली मालवेसी है। नेक्स्ट बीजतर 8 से 10 kg खरीफ ऋतु के लिए, जायद के ऋतु के लिए 18 से 20 kg प्रत्येक हेक्टेयर होती है। प्रजातियाँ वर्षा उपहार, पूसा मखमली, पर्वणीक्रांत, पूसा सावनी इसकी मुख्य प्रजातियाँ हैं। फल का प्रकार कैप्सूल है विद विटामिन सी, इसमें विटामिन सी पाई जाती है। फिर पात गोभी की पत्तियों में कड़वाहट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे पात गोभी की पत्तियों में कड़वाहट किसके कारण होता है, सिनेक्रिन के कारण। फिर नेक्स्ट है ग्रीन बॉय एंड एक्सप्रेस प्रजातियां हैं, वो भी पात गोभी की हैं। नेक्स्ट कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है पात गोभी में, ठीक है। नेक्स्ट फिर प्याज। प्याज देखो, प्याज प्याज का साइंटिफिक नाम है, प्याज को इंग्लिश में ओनियन कहते हैं, साइंटिफिक नाम एलियम सेपा है। प्याज रूपांतरण है वो भी पत्ती का, ठीक है। नेक्स्ट परागण होता है बाई हनी बी या मधुमक्खी द्वारा, ठीक। प्याज में चरपराहट पंजेंसी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। प्याज का पीलापन क्वेरसिटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्याज में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। नेक्स्ट इसकी मुख्य प्रजातियां जो कि निफात 53, अर्का प्रकृति, कल्याणपुर रेड, राउंड पूसा रेड, नासिक रेड हैं। नेक्स्ट इसकी बीज तक 10 से 12 kg पर हेक्टेयर नर्सरी के लिए हैं। नेक्स्ट प्लांटिंग बाय बल्ब, बल्ब के द्वारा इसकी प्लांटिंग की जाती है तो 750 kg प्रति हेक्टेयर मीडियम साइज वाले बल्ब लगते हैं, ठीक है। फिर बोल्टिंग की क्रिया संबंधित है, बोल्टिंग की क्रिया प्याज से संबंधित है। प्याज है ऐसे पूछा जा सकता है प्याज एक क्या है, तो प्याज एक बल्ब है, ठीक है। नेक्स्ट मूली। मूली का बॉटनिकल नाम रेफिनस सटाइवस है। इसकी सीड रेट 6 kg प्रति हेक्टेयर है। फिर ब्राउन हर्ट टू जो है, ब्राउन हर्ट भूरा हर्ट ड्यू टू तो बोरान डिफिशियंसी के कारण लगता है, या ब्राउन हर्ट कहते हैं इसको। फिर ब्राइट टीच इसकी मुख्य प्रजातियां हैं पूसा चटकी, पूसा हिमानी, पूसा सफ़ेद, अर्का निशान इसकी मुख्य प्रजातियां हैं मूली की। मूली में चरपराहट आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली रूपांतरण है तो जड़ का। नेक्स्ट फिर गाजर है। गाजर का साइंटिफिक नेम टोकस कैरोटा है। इसकी सीड रेट 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर है। गाजर रूपांतरण है जड़ का, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी इसकी गाजर की है तो पूसा केसर, पूसा मेंगाली इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। और गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है जिसके कारण इसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका ए विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट कुकरबिटिस। कुकरबिटिस में देखो एक दो क्रापे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमको लगे पूछे जा सकते हैं तो हमने बनाया, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा और कोशिश करेंगे बताने की आप लोगों को। पूसा विश्वास प्रजाति है। पूसा विश्वास लौकी की प्रजाति है जो कि अक्सर एग्जामों में पूछी जाती रहती है, कैटेट एबीएचयू में पूछी जाती रहती है। फिर करेले में कड़वाहट का कारण मोर्टिकोसाइट है, वो यहाँ पर ऐसे हो गया है थोड़ा तो हमने एरो लगा के बता दिया। फिर खीरे में कड़वाहट कुकरबिटेसिन के कारण होता है, ठीक है। करेले में कड़वाहट मोर्टिकोसाइट और इसमें खीरे में कड़वाहट कुकरबिटेसिन ऊपर नीचे हो गया तो आप लोग समझ सकते हैं, मैंने बता भी दिया, ठीक है। फिर शुगर बेबी प्रजाति है तरबूज की। सामान्यतः सभी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ द्विलिंगाश्रयी होती हैं, लेकिन परवल एक लिंगाश्रय। देखो कोई कुकरबिटेसी है तो वो सभी सब्जियाँ द्विलिंगाश्रयी होती हैं, लेकिन परवल को छोड़कर परवल एक लिंगाश्रय है, ठीक है। पूसा बेदाना प्रजाति है तरबूज की, सीडलेस वैरायटी है ये, ठीक है। तरबूज की सीडलेस वैरायटी पूसा बेदाना। हरा मधु तरखरबूजा की प्रजाति है। नेक्स्ट पूसा संयोग खीरा की प्रजाति है। नेक्स्ट तरबूज की भीतर 4 से 4.5 kg प्रति हेक्टेयर है। और तरबूज के फल में जल की मात्रा 92 से 95% होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें,
शेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, धन्यवाद।